बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति की ओर से 12 अगस्त को समीक्षा बैठक की जाएगी, जिसे लेकर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष कामेश्वर मिश्र ने मंगलवार को बैठक की। बैठक में कई तरह के कार्यों की समीक्षा भी की गई और आगे की रणनीति भी तय की गई। मुख्य रूप से 26 जुलाई से 31 जुलाई तक पैदल राज्य विधानसभा पहुंचने वाले पदयात्रियों के नामों पर भी चर्चा की गई, साथ ही समिति की ओर से उन्हें बधाई दी गई। वहीं उन लोगों को सम्मानित कर प्रमाण पत्र देने पर भी विचार विमर्श किया गया। वहीं संघ के सचिव ने बताया कि 8 अगस्त को चंद्रपुरा प्रखंड में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम होना तय किया गया था, जो हुल दिवस होने के कारण स्थगित कर दिया गया, जिसे 22 अगस्त को कराया जाएगा। वहीं 5 सितंबर को नवाजी प्रखंड में भी एक दिवसीय प्रदर्शन किया जाएगा। बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति के संयोजक संतोष कुमार नायक ने बताया कि 12 अगस्त को होने वाली समीक्षा बैठक में समिति के सभी पदाधिकारी, सक्रिय सदस्य और सभी सहयोगी गण को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। लाइव इंडिया हर पल के लिए बेरमो से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में जो पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम है उसको हम लोगों ने उसमें परिवर्तन किया है और योजना को और कैसे धारदार बनाया जाए उस पर गंभीरता से विचार किया है। साथ में आंदोलन में कुछ आर्थिक सहयोग कहाँ कहाँ से कैसे लिया जाए, इन सब विषयों पर गंभीरता से चर्चा हुई है। कुल मिलाकर आंदोलन को अभी आगे और ढंग से चले उसकी समीक्षा की गई। एक चीज़ बताया जाए, चंदपुरा में एक दिवसीय धरना देना था, उसके बारे में क्या कहना? ऐसा है कि 8 अगस्त को चंद्रपुरा प्रखंड में धरना प्रदर्शन और मांग पत्र सौंपने का पूर्व से कार्यक्रम निर्धारित था, परंतु उस दिन हुल दिवस होने के कारण सभी राज्य सरकार ने छुट्टी की घोषणा कर रखी है, इसलिए प्रखंड कार्यालय उस दिन बंद रहेगा। अब हम लोगों ने उसका तिथि का पुनर्निर्धारण किया है और वो 22 अगस्त को हम लोग चंद्रपुरा प्रखंड का जो कार्यक्रम है वो 22 अगस्त को हम लोग करेंगे।